नमस्कार, मैं अनूप सोनी और हमारी क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम स्वच्छ भारत के निर्माण की शपथ लेते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी शपथ लें कि आप अपने देश को स्वच्छ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपनों की चोट से जब जिंदगी बिखर जाए तो क्या टूटा हुआ पलटकर अपनों को ही जख्म दे? दर्दनाक होता है, शर्मनाक होता है, पर अक्सर जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। अरे अरे, पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब तेरी बारी। मुझे पकड़ा यहाँ। आओ यहाँ पे, यहाँ पे मुझे पकड़ के दिया, यहाँ मुझे पकड़। नुसरत, ए नुसरत। हाँ हाँ जीजू, तेरा घर चल, कुछ काम है। आफरीन आफरीन, तुम लोग खेलो, मैं 5 मिनट में आई। चलिए काम था ना? तुझे पता है नुसरत, बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। जीजू, आपको कुछ काम था ना? बोला, किसी से झगड़ा हुआ? हाँ हाँ बोल तो सही, क्या हुआ? जीजू ने, जीजू क्या, जीजू क्या? बेशरम इंसान, तूने मेरी ही छोटी बहन के साथ, बोलती हुई भी शर्म आ रही है। बेशरम आदमी, थोड़ी सी भी खैरत नहीं है, कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, मेरी ही कमाई पे जीता है और मेरी ही छोटी बहन के साथ। हाँ किया, मेरा मन किया मैंने किया तो। कमी है। अरे क्या हो गया, क्यों इतनी लाल पीली हो रही है? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? ऊपर वाले ने अकल दी है ना, तो जरा ठंडे दिमाग से सोच, इसके भी पैसे मिलेंगे। तैयार हो गई हो? अरे मालदार हो जाएंगे हम, इस उम्र की लड़कियों के तो कस्टमर पैसे भी अच्छे देते हैं। लगा दे उसे भी धंधे पे। अशफाक ने तबस्सुम की छोटी बहन नुसरत के साथ रेप किया था, लेकिन तबस्सुम का गुस्सा अब खत्म हो गया था। तबस्सुम अब प्रैक्टिकली सोच रही थी
उसे लग रहा था कि यूं रो धोकर बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, और उसे ज्यादा पैसा कमाने का जरिया भी नजर आ रहा था, तो क्या फर्क पड़ता है अगर इसके लिए उसे अपनी ही छोटी बहन को धोखा देना पड़े। तबस्सुम को तो खुद भी हमेशा यही लगता था कि अपने पिता के घर की जिस जिल्लत भरी जिंदगी से निकलने का वो ख्वाब देख रही थी, उस ख्वाब ने भी तो उसे धोखा ही दिया था। स्कूल का तमाशा वमाशा बंद करो, सब पैसे की बर्बादी है। इसको भी कहीं कुछ काम वाम पे लगा दो। हाँ, अगर आप कुछ काम धंधा करते ना अबू, तो इस घर में लड़कियों को बाहर जाके काम करने की कोई जरूरत नहीं होती, ना मुझे, ना शबनम को, और ना ही मुमताज को। हम भी अपनी जिंदगी का कुछ देख सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, जरा हाथ पैर हिलाइए। सारा दिन बैठे बैठे तंबाकू घिसते रहते हैं। जबान लड़ाती है बाबू तेरा, तमीज से बात किया कर। पैसे क्या कमाने लगी, जबान कैसे गिरा चल रही तेरी? सब्जी रोटी भी। बाजी, सुना आपके लिए रिश्ता आया है, कोई अशफाक नहीं है? सुना है नासिक में रहता है। नासिक यहाँ से बहुत दूर है ना? बड़ा शहर है, हमारे शहर से तो बहुत बड़ा, मुंबई के पास है। जो भी हो, जैसा भी हो, मैं तो ये निकाह कर लूंगी। कम से कम इस जहन्नुम से तो बाहर निकल पाऊंगी। बाजी, आप हम सब लोगों को छोड़कर चली जाएंगी? एक दिन हम सबको जाना है नुसरत, और ये हम सबके लिए अच्छा है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए। अब तो सो जा, ठीक है? अशफाक हमारा इकलौता लड़का है। तबस्सुम के अलावा मेरी तीन बेटियां और वो शबनम है, तबस्सुम से छोटी, फिर मुमताज और सबसे छोटी नुसरत। जी माशाल्लाह। इसकी पैदाइश के वक्त ही मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था। कोई लड़का नहीं था, बहुत कोशिश की हमने, अब जो अल्लाह की मर्जी। हाँ, अब उसकी मर्जी के आगे किसी की चलती कहाँ है। बेटा अशफाक, लड़की पसंद आई? ये हमारा घर है, भाड़े का है। उस घर से निकल के ना मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, अब अकेला नहीं हूँ ना। मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना मैं छोटी बहन नुसरत को यहाँ बुला लूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? यार, अभी शादी के पूरे मजे भी नहीं लिए और तू एक ही हड्डी बीच में लाने की बात कर रही है। छोटी बहन है मेरी, बच्ची है अभी। ठीक है, सोचता हूँ। अल्लाह जाने कौन है, रेशमा नाम है। अबू ने निकाह कर ली। हमें तो पता ही नहीं चला, एक दिन उठा लाए घर पर। नुसरत कैसी है? वैसी ही है। मैं नुसरत को अपने साथ ले आऊंगी, मैं नहीं चाहती कि वो ये सब बर्दाश्त करे, बच्ची है वो। हाँ ले जाओ, मैं और शबनम अपना इंतजाम कर लेंगे। वैसे भी लगता है अब शौहर भी खुद ही ढूंढना होगा और निकाह भी खुद ही पढ़वाना होगा। अबू ने तो शराब भी पीनी शुरू कर दिया, आधे वक्त तो होश में नहीं रहते, और जब होश आता है तो फिर से शराब उड़ेल लेते हैं। चल रखती हूँ, खुदा हाफिज।
हो सके तो अपने अब्बू को भी ले जा। काम के ना काज के बस दिन भर पड़े पड़े दारू पीते रहते हैं। क्यों, तुमने तो निकाह किया है ना इनसे, अब संभालो अपने शराबी शोहर को। संभाल अपनी अम्मी है तेरी। मेरी अम्मी तो कब की जा चुकी है अब्बू, और अच्छा ही हुआ कम से कम इस जिल्लत की जिंदगी से तो बच गई। ये क्या बच गई, बस अम्मी अम्मी है। यहाँ बहुत सारे स्कूल है, मैं तेरा दाखिला किसी अच्छे से स्कूल में करा दूँगी। ठीक है, आजा। इन स्कूलों की तो बात कर रही है, उसकी फीस जानती है, महंगे हैं बहुत। लेकिन वो बहुत अच्छे स्कूल है। मामूली मैकेनिक हूँ मैं, नहीं दे सकता इतनी फीस। मेरी छोटी बहन है, वो बच्ची है अभी। देख, मैं तेरा खर्चा उठा सकता हूँ, तेरे पूरे खानदान का नहीं उठा सकता। तू खाना खाना, चिंता मत कर, तेरे जीजू तो ऐसे ही बात करते। मैं तेरा दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दूँ, ठीक है? चलो खाना खा। नुसरत का कभी भी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ, और अशफाक को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो तबस्सुम की भी कोई परवाह नहीं थी। ये बात और है कि अशफाक बार बार अपने और तबस्सुम के गांव जाकर हमेशा तबस्सुम के ही घर में रहने की जिद करता था, और तबस्सुम उसकी ये बात कभी समझ नहीं पाई। देख, मैं इतना ही कमाता हूँ, नी औकात है मेरी, और इतने में तुझे गुजारा करना होगा। अशफाक, तुम जितना कमाते हो ना, उतने से घर भी मुश्किल से चलता है। तो मैं क्या फारसी कह रहा था? कह रहा हूँ ना, नुसरत को वापस भेज दे। अरे वो बहन है मेरी। हाँ तो पैदा तेरे बाप ने किया, मेरे सर पे क्यों डाल रही है? अगले सोमवार हम गांव जा रहे हैं। और हम तुम्हारे घर में रहेंगे? नहीं, तेरे। अल्लाह, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें तो मेरी बहन बोझ लगती है, लेकिन हमेशा तुम्हें मेरे गांव जाना होता है और मेरे ही घर में रहना होता है जहां मेरा दम घुटता है। चाय बना कर ला। हम यहाँ एक हफ्ते के लिए आए थे, लेकिन अब 2 हफ्तों से ज्यादा हो गए। हम नासिक वापस कब जा रहे हैं? सुबह सुबह दिमाग की दही मत कर, चाय मांगी है चाय ला। अरे कम से कम अपने काम के बारे में तो सोचो, तुम्हारा मालिक इतने दिनों तक तुम्हें ऐसा रहने देगा क्या? मेरा काम है ना, मैं संभाल लूंगा, तुझे जितना बोला है वो कर, जा चाय बना। अरे मेरे होते हुए क्या डर लगना, मैं हूँ ना। अच्छी लग रही है लेकिन तू आज। शुक्रिया। उस दिन क्यों इतना लेट आई थी? अरे लेट हो गया ना थोड़ा, चलता है। ऐसे कैसे चलता है, मैं देखता रहा तेरे को, क्या ऐसे तो तड़पाएगी मेरे को। शबनम, तुझे आज काम पर नहीं जाना? वो मैं बस जा ही रही थी, जीजू से थोड़ा बात करी थी। अच्छा जीजू, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम बार बार मेरे घर में आके क्यों पड़े रहते हो।
मेरे ही घर में मेरे पेट पीछे ये सब चल रहा है, तू मेरी ही बहन होकर मेरे ही शौहर के साथ अपना मुंह काला कर रही है। अब अगर तुम अपने शौहर को खुश नहीं रख पाती इसलिए वो खुशी ढूंढते हुए मेरे पास आया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? शौहर है वो मेरा, आज तुझे तबस्सुम, बेशरम, बेहया, शर्मानी चाहिए तुम्हें। छी, देख तुझे जो समझना है समझ, मैं शबनम को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने के लिए कि ये मेरे शौहर को पसंद करती है? बेशरम, बेहया, इसने मेरे शौहर के साथ अपना मुंह काला किया है और इस बात की तुझे रत्ती भर के शर्म नहीं है? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, अगर ये मेरे पास आ रहा है तो इसका साफ मतलब है कि तुम उसे खुश नहीं रख पाती। शबनम, तबस्सुम बाजी हमारी बहन है, तुम हमारी बहन के साथ ऐसे नहीं कर सकती। अब तुम लोग लड़ो झगड़ो या जो चाहे करो, एक बात मैं सबको साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं शबनम से निकाह कर रहा हूँ और ये पक्का है। अब आप कुछ बोलोगे ये दारू मुंह में जाने के बाद आपका मुंह खोलेगा? बकवास बंद कर, क्या तमाशा लगा रखा है तुम सबने, जीना हराम कर दिया है मेरा, तंग आ गया हूं। अपने अब्बू को ही कोसती रहती हो तुम लोग, अब देखो आपस में ही कैसे गुल खिला रही हो। तबस्सुम, मैंने साफ साफ कह दिया ना कि मैं शबनम से निकाह कर रहा हूँ, अब तुझे मेरे साथ रहना है, रह, छोड़ के जाना है, जा, तेरी मर्जी। और हाँ, मैं भी अशवाक से ही निकाह करूंगी। उसकी बहन ने उसे धोखा दिया, उसके शौहर ने उसके साथ धोखा किया, लेकिन तबस्सुम अपने अपमान और धोखे के जहर का घूंट पीकर रह गई। उसने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था। अशफाक शबनम और तबस्सुम के साथ शहर वापस आ गया, नुसरत भी उनके साथ आई थी। समय बीतता गया और उनके हालात बद से बदतर हो गए। बाजी, मैं स्कूल कब जाऊंगी? पता नहीं नुसरत, मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है। चलता रहा ना तो घर में खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। शुरू मत हो शबनम, चैन से बैठा अच्छा नहीं लगता क्या तेरे को? काम पर क्यों नहीं जाते तुम? तू अलग चढ़ रही है तो घर कैसे चलेगा? एक मेरा भेजा फिर गया और गरम मत कर उसको, हाथ मेरे ठीक से काम नहीं करते हैं, थक गया हूं मैं डॉक्टरों को दिखा दिखा के, और तुम दोनों मुझे लूला बनाने पे तुले बैठे हो, बर्बाद कर दो मेरी जिंदगी दोनों। क्या करूं मुमताज, मेरे पास पैसे ही नहीं है, कैसे पढ़ाऊं नुसरत को? तो नुसरत को साथ ले जाने का क्या फायदा हुआ बाजी? पता नहीं मुमताज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालत इतनी खराब हो जाएगी। शबनम कैसी है बाजी? जहन्नुम में जाए मेरी बला से, मैं उसे बात नहीं करती, काम कर रही होगी कहीं। पता है बाजी, रेशमा इतनी बुरी भी नहीं है, आजकल अच्छे से पेश आती है, हम दोनों अच्छी सहेलियां बन गए, अब्बू तो जैसे थे वैसे ही है। पता नहीं मुमताज, मैं किस जिंदगी को बेहतर बताऊं, जो परेशानियां, जो घुटन मैंने उस घर में महसूस की थी वो, या जो इस घर में महसूस कर रही हो। बाजी आप कोई काम ढूंढ लीजिए ना, अपने साथ साथ आपको नुसरत का भी ख्याल रखना है। हाँ तू ठीक कह रही है, मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज़। अशफाक की पहली बीवी हो ना? मैं सोहेल, मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए, अगर तुम करना चाहो तो। कैसा काम?
बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और रोज मिलेंगे। लेकिन करना क्या है? क्या कर ले, लेकिन मुझे भी पैसे देती रहना। ये तबस्सुम हर दूसरी रात जाती का है? अरे कहीं नहीं, वो एक घर में खाना बनाने का काम मिला है तो बस रात को खाना बनाने जाती है। छोड़ना उस मनुष्य को। तबस्सुम ने प्रोस्टिट्यूशन का काम अपनी मर्जी से शुरू किया था और उसके शौहर अशफाक ने उसे इस काम के लिए इजाजत भी दे दी थी। और अब जब तबस्सुम को यह पता चला कि उसके शौहर ने उसकी ही छोटी बहन नुसरत के साथ इतना घिनौना काम किया था, तो अशफाक ने उसके सामने एक बहुत ही घटिया प्रस्ताव रख दिया। अरे मालदार हो जाएंगे हम, इस उम्र की लड़कियों के तो कस्टमर पैसे भी अच्छे देते हैं, लगा दे उसे भी धंधे पे। ज्यादा सोच मत, ये सोच कि घर में कितने पैसे आएंगे। चलें। बाजी आपने तो कहा था हम घूमने जाने वाले हैं। जा नुसरत, सुहेल के साथ जा। शुरू में थोड़ा दर्द होता है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बाजी आपने नुसरत के बारे में क्या सोचा है? इतने साल गुजर गए, आप अभी तक उसे स्कूल में दाखिल नहीं करवा पाए। मैं कुछ करती हूँ मुमताज, बस थोड़े पैसे जमा कर लूँ। यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है शहर में। बस एक बात याद रहे बाजी, नुसरत की जिंदगी हमारी तरह नहीं होनी चाहिए। अबू तो पढ़ाई की अहमियत कभी नहीं समझे, हमें कभी नहीं पढ़ाया। छोटी सी उम्र में हमें काम पर लगना पड़ा, नुसरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपको उससे बेहतर जिंदगी देनी ही होगी। जानती हूँ मुमताज, ये हमारा घर है। अच्छा, मैं शबनम को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है, क्या कर ले, लेकिन मुझे भी पैसे देती रहना। तुम 204 में जाओ, मैं यहीं नुसरत के साथ बैठता हूँ। कर रही है नुसरत? ठीक ही है। ठीक तो होगी, फिर बड़ी भी लगने लगी है। तबस्सुम, अगर मैं उसके साथ थोड़ा कुछ, जो बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्या ऐसे क्या घूर रही है? अब समझती है वो बड़ी हो चुकी है। बाजी बोलिए। मैं नुसरत बोल रही हूँ बाजी। क्या हुआ नुसरत? बाजी मुझे पेट में बहुत दर्द होता है बाजी। तो डॉक्टर को दिखाओ, तबस्सुम बाजी को बोलो वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। मुझे पेट में दर्द होता है क्योंकि चीजों ने मेरे साथ गलत काम करना शुरू कर दिया है बाजी। तो ये बर्दाश्त क्यों कर रही है? तबस्सुम बाजी को बोल, वो उस कमीने को ठीक करेगी। तबस्सुम बाजी को सब पता है। क्या? बाजी? हाँ मैं सुन रही हूँ। अच्छा सुन, किसी से कुछ मत कहना, तबस्सुम बाजी से तो बिल्कुल नहीं। मैं कुछ करती हूँ। मुझे यहाँ से ले चलिए बाजी, मुझे यहाँ नहीं रहना बाजी, मुझे ले चलिए यहाँ से। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ। अरे मुमताज, आप तुम अक्सर पुणे जाते रहते हो ना? हाँ, मेरे चाचा जान वहाँ रहते, मैं उनके साथ ही काम करता हूँ। पुणे नासिक से कितना दूर है? दूर है लेकिन ज्यादा नहीं है। क्यों? क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे मेरी बहन को बचाना है। हाँ मुमताज बोल। बाजी नुसरत से बात करा दो, काफी दिनों से उससे बात नहीं हुई है। इधर ही है वो, ये ले तो बात कर। जी बाजी, मेरी बात गौर से सुन, किसी से कुछ मत कहना और किसी को ये पता मत चलने देना कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ बाजी। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना नहीं? जी मैं आबिद, तबस्सुम के गांव से, वो जानती है मुझे। ऐसे अचानक से कैसे आना हुआ? वो मैं पुणे में काम करता हूँ, पहली बार नासिक आया हूँ। मुमताज बता रही थी कि आप भी यहीं रहती है, तो बस मिलने चला आया। नुसरत कहाँ है? अंदर ही है, नहा रही है। लो आ गई। अरे नुसरत कैसी है? पहचाना नहीं? अरे मैं आबिद, तुम्हारे गांव से। ये तो बहुत बड़ी हो गई है। हाँ वो 6 साल पहले आए थे ना मेरे साथ नासिक। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। खुदा खुदा हाफिज। अरे मेरा फोन तो अंदर ही रह गया। जी वो मुझे कंघी लेना था। तो जाना, पूछने की क्या जरूरत है? देखा है क्या? नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? 2 घंटे से ज्यादा हो गया, कह के गई थी कि कंघी खरीदने जा रही हूँ। बात तो नहीं गई? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं तो आबिद का ऐसे अचानक आना, कहीं किसी ने उसे भेजा तो नहीं था? नुसरत ने बात की थी किसी से? बाजी नुसरत से बात करा दो, काफी दिनों से उससे बात नहीं हुई है। मुमताज बता रही थी कि आप भी यहीं रहती है, तो बस मिलने चला आया। मुमताज ने उसे यहाँ भेजा। हाँ बाजी, तूने आबिद को यहाँ भेजा था? क्यों, क्या हुआ? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। तूने आबिद को यहाँ भेजा था? हाँ मैंने ही भेजा था। अब कहाँ है वो दोनों? नुसरत जहाँ भी है आपसे और आपके शौहर के गंदे हाथों से महफूज है। मुमताज वो दोनों अब कहाँ है पता? क्यों? ताकि आप उसे अपने पास रखने के बहाने फिर से उससे धंधा करवाए? वही धंधा जो आप करती हो चाहती है बेचारी वो बच्ची भी करे। मुमताज सीधे सीधे बता दे कि वो दोनों कहाँ है, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन जाके आबिद के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि मेरे घर में आके मेरी बहन को भगा के लेके गया। अच्छा जाओ करो। साहब एक आदमी मेरी छोटी बहन को लेके भाग गया, बच्ची है वो। नाम क्या है उसका? नुसरत। और उस आदमी का नाम आबिद। और तुम? तबस्सुम शेख। और ये मेरा शोहर अशफाक शेख। साहब उस आदमी को इसकी छोटी बहन मुमताज ने भेजा था, वो सुबह घर आया और नुसरत को बहला फुसला कर बाहर बुलाया, फिर साहब लेकर भाग गया उसको। तुम रुको इधर, मैं आकर तुम्हारी शिकायत दर्ज करता हूँ। ये तुम्हारी बहन नुसरत? जी जी साहब। और ये आबिद, तुम कह रही थी तुम्हारी बहन को इसी ने भगाया? जी साहब। जी साहब ये लोग 2 घंटे पहले ही यहाँ पे आए थे और तुम्हारी बहन ने हमें सब कुछ बताया था कि तुम्हारा पति उसके साथ क्या क्या करता था और तुम क्या करवा रही थी। साहब ये झूठ बोल रही है, ये जबरदस्ती बोलवा रहा है इससे। नुसरत बेटा तुमने इनसे क्या कहा? सब कुछ बाजी, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। झूठ बोल रही है साहब, मैं जी जाऊं इसका, 6 साल से इसे पाल रहा हूं, देखो कैसा गंदा इल्जाम लगा रही है मुझ पे। कमीने, बच्ची है वो, गंदे इल्जाम वो नहीं लगा सकती। और तुम उसकी बड़ी बहन हो ना,
हैं? तूने एक बार भी मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? मुझे तो आपसे भी डर लग रहा था कि अगर मैं आपको बताती तो शायद आप भी जीजू के साथ मिल जाती और वो सब कुछ होने देती जो मेरे साथ हो रहा था। मैंने तबस्सुम बाजी पे यकीन किया था। अगर वो मुझे धोखा दे सकती है तो मैं आप पे कैसे यकीन करती? मुझे तुम्हें अपनी बहन बुलाते हुए भी शर्म आ रही है। कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। अशफाक ने नुसरत के साथ गंदा काम किया तो उसे रोकने के बजाय तुमने उसे अपनी तरह धंधे पे लगा दिया। छी, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। तब तुझे शर्म नहीं आई जब तूने मेरे शोहर के साथ अपना मुंह काला किया था? जब तुमने मेरी जिंदगी हराम कर दी थी तब शर्म नहीं आई? मैंने तो बस एक अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश की थी, लेकिन मेरी उम्मीदों ने मुझे धोखा दिया। मेरी अपनी छोटी बहन ने मुझे धोखा दिया, मेरे शोहर ने मुझे धोखा दिया। इतने सारे धोखों ने मेरी जिंदगी कड़वी कर दी थी और इसी कड़वाहट में आकर मैंने अपनी बेटी जैसी छोटी बहन के साथ धोखा किया। मैंने नुसरत के साथ जो किया वो गलत किया। इस गुनाह का एहसास है मुझे, लेकिन मेरे इस गुनाह में तू भी शामिल है। हाँ, आ रही है मुझे शर्म। लेकिन तुझ में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है, तो थोड़ी शर्म तुझे भी तो आनी चाहिए ना। नुसरत, जो कुछ भी है उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि आने वाला कल बेहतर होगा। तो अब पिछला सब कुछ भुलाकर आगे की सोचते हैं। नुसरत की मेडिकल रिपोर्ट से ये बात साबित हो गई कि उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। क्योंकि वो माइनर थी इसलिए शुरू के कुछ दिनों तक उसकी देखरेख चाइल्ड केयर कमेटी ने की और फिर उसे मुमताज को सौंप दिया गया। नुसरत अपने गांव लौट आई है। अशफाक और तबस्सुम को गिरफ्तार कर उन पर आईपीसी की धारा 376 रेप के लिए और आईपीसी की धारा 34 लगाई गई है। केस की जांच करने पर पता चला कि शबनम का इस सब में कोई हाथ नहीं था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसकी बड़ी बहन तबस्सुम देह व्यापार का काम करती थी और उसने उनकी छोटी बहन नुसरत को भी इस दलदल में खींच लिया था। अपनों से धोखा मिलने के बाद तबस्सुम को पूरा हक था कि वो शबनम से नाराज हो जाए, लेकिन उसे इस बात का कोई हक नहीं था कि वो अपनी छोटी बहन नुसरत की जिंदगी बर्बाद कर दे, और वो भी ये जानने के बाद कि उसके पति अशफाक ने उसकी छोटी बहन के साथ कितनी घिनौनी हरकत की थी। शबनम और तबस्सुम ने बहन के रिश्ते की मर्यादा को चोट पहुंचाई थी, इस रिश्ते को धोखा दिया था। बाहर वालों से लड़ने की हिम्मत तो इंसान फिर भी जुटा लेता है, लेकिन जब कोई गुनाह घर के अंदर होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं होता। ऐसे में पीड़ित ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर दर्द बर्दाश्त करता है बल्कि इमोशनली भी उसे एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि दर्द सिर्फ उस गुनाह का नहीं होता जो उसके साथ हुआ है, बल्कि इस बात का भी होता है कि उसके साथ गलत करने वाला इंसान वो था
जिस पर उसने दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास किया था। अक्सर जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।